विश्व शांति के लिए धर्मशाला में पहली बार महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के विचारों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केरल से लेकर कश्मीर तक के देश भर से लगभग 80 विद्वान भाग ले रहे हैं, जो कि 3 दिनों तक विश्व शांति के उपायों को लेकर गहन विचार विमर्श व मंथन करेंगे। उनके द्वारा इस विषय पर रिसर्च पेपर भी पेश किए जाएंगे। धर्मशाला में शुरू हुए इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ शांति दूत एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने किया। इस अवसर पर उनके साथ निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सामदोंग रिपोनछे भी मौजूद रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की ओर से महामहिम दलाई लामा को शॉल, टोपी, चरखा व महात्मा गांधी का चित्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परम पवन दलाई लामा ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 3000 साल प्रार्थना करने में लगा दिए, परंतु फिर भी हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के लोग तो 10-15 वर्षों बाद नहीं रहेंगे, इसलिए आगामी पीढ़ी को ही विश्व शांति की दिशा में बदलाव लाना होगा, जो प्रार्थना से नहीं अपितु परिश्रम करने से होगा। उन्होंने कहा कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए हमें दायित्व लेने के लिए आगे आना होगा। महामहिम ने कहा कि इस संदर्भ में हमें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत में भावनाओं को समझने का हुनर है और भारत विश्व शांति में अहम भूमिका अदा कर सकता है। I think over 3,000 years, 2,000, 3,000 years, we always pray, but a lot of problems still we are facing. So therefore, now it is our responsibility. Now regarding human being on this planet, I usually say telling generation of 20th century, including myself, and most of you, and Professor Sandorji also, we are a generation of 20th century, so 20th century gone. Now we are now looking forward, after 10 years, I may go different place, or 15 years, like that. So now, generation of 20th century, you, these young people, young brothers, sisters, now you have the opportunity to see more peaceful world, happy world, and also see you have the responsibility to create that kind of world, not through prayer but through action. Now in order to carry that kind of निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सामदोंग रिपोनछे ने अपने संबोधन में कहा कि प्रार्थना धर्म के लिए होती है, परंतु धर्म कई बार लड़ाई झगड़े भी करवाता है। उन्होंने कहा कि महामहिम दलाई लामा विश्व शांति के दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और विश्व शांति के लिए सकारात्मक बदलाव के लिए भारत से शुरुआत कर इसे विश्व भर में फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि मन साफ होगा तो हम दूसरों की मदद करने में सक्षम होंगे। सामदोंग रिपोनछे ने कहा कि हृदय परिवर्तन के कारण नकारात्मक भावना को सकारात्मक भावना में परिवर्तित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई लोग संस्थान कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी धर्म निरपेक्षता एवं विश्व शांति की दिशा में कारगर सिद्ध होगा और महामहिम दलाई लामा का मार्गदर्शन भी शांति की दिशा में अहम भूमिका अदा करेगा। सीज दैट मेनी ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस, ऑफ कोर्स दिस आर द रिलीजियस ट्रेडिशंस आर सोर्स ऑफ सॉल्वेशन टू ऑल ह्यूमैनिटी, but in the name of religion there is also conflicts. Then he gives much importance for the religious harmony. For that also he has many new methods have been evolved, and he is working for that. And the third of his commitment is to see, as a leader of Tibet, to see the future salvation of the Tibetan people. And in this context his main emphasis is how to make Hriday Parivartan, the transformation of mind. For that we need a great deal of inner hygiene, the hygiene of emotions.
and therefore his recent teaching is about the secular ethics, in which to mapping the mind and through which improvement and transformation of negative emotions into the positive emotion, and particularly he is trying to bring it in the education system, and many organizations are working abroad in India and everywhere, and I hope in the coming few years we might be able to bring some very effective measure to improve human dignity and human ethics, not through the religious teachings or practices, but a secular or a universal way of educating the people. So therefore, this conference is a great significance, and I hope by His Holiness' blessings and His advice, the 3 days deliberations will be really important and bring positive change in this country, and through this country, the whole world would be benefit. Thank you very much. एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जो देश दुनिया में अहिंसा और शांति कायम करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले गांधीयन थिंकर्स और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गांधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ गांधीयन हैं, वो सब लोग केरल से कश्मीर तक ऐसे सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कितने विद्वान जो है देशभर से इसमें शामिल? लगभग 80 लोग देशभर से आए हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये उद्घाटन का कार्यक्रम, इसमें पवन पावन दलाई लामा जी को निवेदन किया है, वो इस कार्यक्रम को ब्लेस करेंगे। इसके बाद हमारी आज के साथ 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में शांति कैसे कायम की जा सकती है, पूरे विश्व में आपसी भाईचारा कैसे कायम किया जा सकता है, एक आपसी विश्वास कैसे कायम किया जा सकता है, इन सब विषयों पर 3 दिन हम माथापच्ची करेंगे। अलग अलग स्कॉलर्स ने पेपर तैयार किए हैं, उन पेपर्स को प्रेजेंट किया जाएगा, उन पेपर्स को पढ़ा जाएगा, उस पर चर्चाएं होंगी, और कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम से कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज बन सके जिसको हम देश और दुनिया में भेज सकें, और देश में जो शांति के प्रयास हो रहे हैं उनको और गतिमान किया जा सके।